नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज मीडिया। चलिए जानते हैं देश और दुनिया के 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव ने कोविड को लेकर उच्च स्तरीय पर बैठक, वायरस से निपटने पर चर्चा। G20 की अध्यक्षता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बजेगा भारत का डंका, बनेगा सॉफ्ट पावर का केंद्र। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से पहले हार्दिक पांडे ने अमित शाह से की मुलाकात, कृणाल भी रहे मौजूद। ऋषभ पंत ने खोली हौसले से भारी पारी, असहनीय पीड़ा के बावजूद मां को घबराए देख करते रहे हंसी मजाक। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दल आए तो 2024 में भाजपा का जीतना मुश्किल। कोरोना का नया वेरिएंट XBB.1.5 अमेरिका में मचा रहा आतंक, ओमिक्रॉन BF.7 से भी ज्यादा खतरनाक। नए साल के स्वागत के लिए तैयार गोरखपुर, चेन्नई समेत कई शहरों के लिए उड़ान होगी शुरू, तैयारी तेज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी पर हुए और सख्त, का शराबबंदी पर सरकार गंभीर, धंधेबाजों का खोज कर पकड़ने का निर्देश अधिकारियों को दिया। असम सरकार ने 4 जिलों को विलय की घोषणा की, सीएम शर्मा ने भारी मन से लिया फैसला। अमित शाह ने चीन को ललकारा का, भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। गुजरात के नवसारी में बस और कार में टक्कर, 9 की मौत, 29 घायल, पीएम मोदी ने मुआवजे की घोषणा। चीन में बेकाबू हुआ कोरोना, भारत सहित 10 देशों के यात्रियों पर लगे कड़े प्रबंध। देश में नए साल की धूम, दिल्ली से मनाली तक जश्न की माहौल, धार्मिक पर्यटक और ऐतिहासिक स्थानों पर उमड़ी भीड़। महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित RCC मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, बम स्ट्रोक की सर्च ऑपरेशन जारी, पुलिस कंट्रोल रूम में आया था फोन। जम्मू कश्मीर के पूंछ में LOC के पास सेना का सर्च ऑपरेशन, आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। देश में कोरोना का खतरा, भारत में XBB.1.5 वेरिएंट का पहला केस मिला, अब तक 3 पर इंटरनेशनल पैसेंजर पॉजिटिव। राजस्थान में कांग्रेस को राहत, इस्तीफा वापस लेंगे गहलोत के वफादार, अब बदलाव की बारी। एलन मस्क के नाम दर्ज हुआ अनोखा रिकॉर्ड, $200 अरब गंवाने वाले दुनिया के बने पहले शख्स। कोरोना के हालात पर PMO की हाई लेवल मीटिंग, नए वेरिएंट पर फोकस करने का निर्देश दिया। सरकारी वेबसाइट से मिलती जुलती साइड, व्हाट्सएप पर कॉल, नौकरियों के नाम पर 50,000 से अधिक युवाओं को ठगा करने वाला अरेस्ट। पड़ोसियों को जयशंकर ने दी 2 टूक, चीन के साथ सामान्य संबंध नहीं, LAC पर एकतरफा बदलाव की कोशिश को बर्दाश्त नहीं। भारत जोड़ो यात्रा, UP में 3 दिन रुकेंगे राहुल गांधी, यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत। पूरी रात क्यूब पर रूस ने दागा बम, आग से लपटों से घिरा यूक्रेन, कई इलाकों में अंधेरा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौड़े, PM मोदी से की मुलाकात, कई अहम मुद्दे पर की चर्चा। तो कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कॉमेंट में जरूर बताएं, साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।